कुल्लू में ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों से वसूला 1 करोड़ का राजस्व। कुल्लू में पुलिस ने 1 साल में किया 84,000 वाहनों के चालान। इस साल में पुलिस ने अब तक एकत्रित किया 22 लाख का राजस्व। जिला कुल्लू में ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाने वाले बेपरवाह चालकों पर पुलिस का खूब डंडा चल रहा है। ट्रैफिक नियमों को तोड़ने वालों पर सिंगजा कसने के लिए पुलिस इनके चालान काट रही है। वर्ष 2016 में जिला कुल्लू में पुलिस ने ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले करीब 84,000 से ज्यादा वाहनों के चालान काटे और उनसे 1,08,00,000 रुपए से ज्यादा का राजस्व एकत्रित किया। वर्ष 2017 में भी पुलिस ने बेपरवाह चालकों पर सिंगजा कसने का क्रम जारी रखा। उनमें करीब 22 लाख रुपए का राजस्व एकत्रित किया है। जिला कुल्लू में विभिन्न स्थानों पर ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए पुलिस ने पार्किंग के चालान किए हैं। अक्सर कुछ चालक बेतरतीब तरीके से सड़क के किनारे अपने वाहन पार्क कर देते हैं, इससे जाम की समस्या पैदा हो जाती है। वहीं पुलिस ने ट्रैफिक नियमों को तोड़ने वाले बेपरवाह चालकों पर भी शिकंजा कसा है। एसपी कुल्लू सी नेकी का कहना है कि ट्रैफिक नियमों को तोड़ने वाले चालकों को किसी भी कीमत पर नहीं बख्शा जाएगा। देखिए, 2016 में हमने 84,100 चालान किए थे और तकरीबन 1,08,00,000 हमने फाइन किया था। और अभी तक जनवरी 2017 से अप्रैल 2017 तक हमने तकरीबन 18,994 चालान किए हैं और हमने 22 लाख अभी तक हमने किया है।